आगे बढ़ते हैं हिमाचल की खबरों का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद कुल्लू में वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए कवायद तेज हो गई है। कुल्लू में चार हफ्तों के अंदर करीब 1000 से ज्यादा अवैध कब्जे हटाने होंगे। अकेले कुल्लू वन मंडल में अवैध कब्जों का ये आंकड़ा करीब 775 है। इनमें से 645 मामले डिसाइड कर लिए गए हैं। इनमें कुल मामले अभी अपील में है। वन भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के तहत 15 नवंबर तक 14 कब्जाधारियों को कब्जे हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन सरकार की इस मुहिम के खिलाफ अब सीपीआईएम कब्जाधारियों के साथ आ खड़ी हुई है और सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इस मुहिम को जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो लोगों को लामबंद कर इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हम मकान नहीं तोड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के बीज बो रहे होंगे। मैं अपने प्रदेश के अंदर आतंकवाद के बीज नहीं बोना चाहता हूं। जो भी बीजना चाहता है उसको मैं अलग थलग करना चाहता हूं। इसलिए हम जनता की ताकत से रोकेंगे। अगर मान लो नहीं रोक पाएंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और इसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे कि इससे अधिक किसान, मजदूर और जनता विरोधी सरकार हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं थी। क्या